वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडअप फोर्ड। सो हम लोग करेंगे बीहाइव का चैप्टर थर्ड क्लास नाइन्थ में, जो है हमारा द लिटिल गर्ल। इसमें हम लोग एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ेंगे और हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ चुका है, उसमें क्या था क्या नहीं मैं सारा बता दी हूँ। सो एक बार बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ हिंट के लिए कि उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम केजिया होता है। उसकी मम्मी कैसी होती है, मम्मी का नेचर दिया हुआ है। पापा कैसे होते हैं, पापा का भी नेचर दिया हुआ है, मीन्स सबका उसमें नेचर दिया हुआ है। हम लोग पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन फोर पैराग्राफ बाकी है। सो फोर पैराग्राफ ईजिली ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इस सबका आपको समरी बता दूंगी। पैराग्राफ एट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. फिर क्या होता है, रॉकिंग चेयर होता है, ठीक है। रॉकिंग चेयर होता है, जैसे आप लोग मूवी में देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक चेयर है, मतलब वो इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बैठने वाला होता है और वो जो आदमी बैठता है, जैसे ये आदमी है, ठीक है, वो बैठता है तो कभी वो इधर होता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब हिलता डुलता रहता है वो। तो उसकी दादी माँ उस पर बैठी थी और एक शॉल से, मतलब बूढ़ी लोग क्या करती हैं, हमेशा एक शॉल ओढ़ी रहती हैं, चद्दर टाइप ओढ़ी रहती हैं, तो शॉल से अपनी पोती को, केजिया को क्या करती हैं, गले से लगा लेती है। केजिया रो रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसे क्या किया था, मारा था रूलर से, मीन्स स्केल बोलो या डंडा बोलो, उससे उसके पापा मारे थे। सो केजिया रो रही थी तो उसकी दादी ने उसको वैसे किया। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो बोलती है भगवान पापा को क्यों बनाते हैं। सी सॉब्ड, वह बोली, हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोजी। उसकी दादी बोलती है पोती को कि प्यार से कि देखो डार्लिंग तुम रो मत, यहाँ पे हैंकी रखा हुआ है, ये हैंकी साफ है, तुम इससे अपना नोजी पोछो। जैसे कि सर्दी वगैरह खांसी वगैरह हो जाता है तो नाक से नोजी गिरने लगता है, ठीक है। गो टू स्लीप पेट, आई विल फॉरगॉट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो बोलती है फिर गो टू स्लीप, उसकी दादी बोलती है अपनी पोती से पेट, यहाँ पे पेट में पालतू नहीं हुआ, पेट मतलब प्रिय, ठीक है, तुम जाओ प्रिय और तुम सो जाओ, और मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह तक सारा चीज़ भूल जाओगी जो अभी हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों में, जो आज हुआ सुबह तक वो भूल जाते हैं। सो उसकी दादी भी उसे ऐसा बोलती है, फिर बोलती है मैं तुम्हारे पापा के पास भी गई थी लेकिन तुम्हारे पापा इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्यू इनटू हर चीक्स। लेकिन वो बच्ची थी, वो कभी नहीं भूली, मतलब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी तो जब जब अपने पापा को देखती थी वो क्या करती थी, अपना दोनों हाथ पीछे कर लेती थी कि पापा उसे फिर से हाथ पे ना मारे, अपने हाथ पीछे कर लेती थी और उसका जो चेक था, मतलब गाल, वो रेड हो जाता था। देन पैराग्राफ नाइन क्या है, द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड फाइव चिल्ड्रन, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द गर्ल सोल them playing tag in evening, the father with the baby mom on his shoulders, two little girl hanging on his coat pocket, ran round and round the flower beds shaking with laughter. Once she said the boys turned the whole house on him and he tired to catch them laughing all the time. फिर क्या होते हैं, मैकडोनल्ड जो है, ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ आप लोगों को, मे बी। मैकडोनल्ड जो है वो क्या है, वो एक इंसान है, ठीक है, वो इंसान ही रहेंगे ना। मैकडोनल्ड एक इंसान है जो कहाँ रहता है, केजिया के घर के बगल में, जिसको हम लोग पड़ोसी बोल सकते हैं। उसके पास कितने बच्चे हैं, फाइव चिल्ड्रेन, पांच बच्चे हैं, और
लुकिंग थ्रू गैप, मतलब उसके घर में मार्जी के घर में फिर क्या होता है, ऐसा ऐसा किसी घर में आप लोग देखते होंगे यहाँ पे सही से बन नहीं रहा है, ऐसा ऐसा कुछ गैप होता है, ठीक है, उस गैप मतलब हल्का हल्का यहाँ पे गैप होता है, ठीक। तो मार्जी मानो यहाँ पे ये मार्जी है, ठीक, और ये इस गैप से यहाँ से बाहर देखती है, किसको देखती है, मैकडोनल को, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी मार्जी है और ये मैकडोनल है। मैकडोनल के कितने बच्चे हैं, पूरे 5 बच्चे हैं, उसमें से माओ एक उसका बेटा है जिसका नाम है माओ, वो कहाँ पे है, उसके सोल्जर पे है, ठीक। 2 बच्चियाँ हैं, 2 लड़की उसके पॉकेट पकड़ के घूम रही है, राउंड एंड राउंड मतलब गोल 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 घूमना उसके पॉकेट को पकड़ के, एंड उसके 2 बच्चे हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, ओके। और वो अब सब हंस रहे थे। देन इट वॉज डिसाइड देयर वर डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑफ फादर, फिर वो सोचती है कि यहाँ पापा के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, पापा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड सी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन क्या हुआ कि जिया की मम्मी, उसे क्या हो गया, वो बीमार पड़ गई, ठीक है, उसे कुछ हो गया होगा, वो बीमार पड़ गई। तो वो और केजिया की दादी माँ, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ एक ही होता है, तो वो दोनों कहाँ गई, हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग टू द बेड सी ग्रीव सडनली अफेयर। फिर क्या था, वो जो छोटी बच्ची थी वो क्या अपने घर में अकेले बच गई, क्योंकि उसकी मम्मी दादी तो चली गई थी, पापा पूरे दिन काम में रहते थे, फिर वो अपने घर में अकेले बच गई, किसके साथ, एलाइस ऑफ कुक, मतलब कुक के साथ जो घर में खाना बनाते हैं। दिन भर सब कुछ ठीक था, ठीक है, दिन में मतलब वो रह ली जैसे भी, बट वाइल मतलब रात में क्या हुआ, जब उसे सोना था, ठीक है, रात में तो सब सोएंगे, तो उसकी मम्मी अभी तक नहीं आई थी, तो वो कुक जो था वो उसे क्या कर रही थी, सुला रही थी कि सो जाओ मुझे भी घर जाना है, ये सो नहीं रही थी, इसे डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे सोऊंगी, क्योंकि ये अकेले नहीं सोती थी, सोती थी अपनी दादी के साथ, सो इसे डर लग रहा था। वॉट आई डू इफ आई हैव नाइट मेयर, वो सोचती है क्या मैं करूँगी अगर मुझे नाइट मेयर मतलब मुझे रात में सपने आए, तो सी आस्क्ड आई ऑफ्टन हैव नाइट मेयर्स एंड ग्रेनाइट टैक मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टेन द डार्क इट्स ऑल गेट्स विस्पिरी। वो बोलती हैं मुझे रात में डरावने सपने आते हैं, नाइट मेयर मीन्स डरावने सपने, मैं कैसे सोऊंगी अकेले, क्या होगा मेरा रात में, पूरा लाइट कट जाता है तो अंधेरा लगता है, मुझे लगता है बेड पे से कोई खींच रहा है, उसे ऐसा लगता था। You just go to sleep, child, said Alice. Alice बोलती है तुम सो जाओ बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। Pulling off her socks, और उसके socks को क्या करती है, pull करती है, खींचती है। And don't you scare and wake up poor pa, वो बोलती है तुम सो जाओ और कुछ भी हो, लेकिन तुम अपने बेचारे पापा को उठाना मत। Poor means यहाँ पे हो गया हमारा बेचारा, ओके। सो वो उसे बोलती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो बोलती है कुछ भी हो जाए तुम अपने बेचारे पापा को उठाना मत, उसे सोने देना। बट द सेम ओल्ड नाइट कम द बुचर विथ अ नाइफ एंड ड्रॉप who will come near the near smiling that their full smile while she could not move, could only stand still crying out grandma, she walks revealingly to see father beside her bed, a candle in his hand. फिर क्या होता है, Alice उसको सुला के चली जाती है, ठीक है, फिर वो जब सो जाती है उसे क्या आता है, नाइट मेयर, डरावना सपना आता है, उसमें क्या होता है, एक बुच्चर होता है, बुच्चर किसको कहते हैं, कसाई को, ये भी लिख लो आप लोग, बुच्चर मीन्स होता है यहाँ पे कसाई, ओके। तो वो देखती है, उसे सपना आता है कि एक बुच्चर उसके बगल में चाकू लिए और एक रस्सी लिए खड़ा है,
कैम नियर एंड नियर, और वो उसके पास आ रहा है आ रहा है। और वो क्या कर रहा है? हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है। वॉइस कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। और क्या होता है जब वो मतलब उसके सामने आ रहा है, उसे डर लग रहा था। फिर वो क्या करती है, रोना स्टार्ट कर देती है और बोलने लगती है ग्रैंड माँ। अपनी दादी को वो बुलाने लगती है क्योंकि वो दादी के साथ सोती थी, वो उसे दादी की याद आने लगती है। फिर क्या होता है, मतलब उसे रहा नहीं गया और वो आँख खोलती है। आँख खोलने पे वो क्या देखती हैं कि उसके पापा उसके बगल में खड़े हैं, ठीक है, क्या लेके, हाथ में एक कैंडल लेके खड़े हैं। व्हाट इज मैटर ही सेड, वह बोले क्या बात है, कौन बोले, उसके पापा। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रेनी, वो बोलती हैं कि मैंने बुचर को देखा, एक बड़ा सा चाकू था, एक ग्रेनी भी थी। He blew out the candle, bent down and catch up the child in arm, carrying her along the passage to the big bedroom. फिर क्या होता है, उसके पापा के हाथ में जो कैंडल होते हैं वो उसके पापा उस कैंडल को मुझाते हैं और अपनी बेटी को क्या करते हैं, गोद में उठाते हैं, अपने बाजू में ऐसे होता है उसे उठाते हैं, तो आर्म से उसे पकड़ना, हाथ से उसे उठाते हैं और बिग बेडरूम मतलब अपने रूम में ले जाते हैं। और न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली चंक्ड अप द चाइल्ड। फिर क्या होता है, वो न्यूज़पेपर होता है वो उसके बेड पे होता है, तो वो न्यूज़पेपर हटाता है और अपनी बच्ची को कहाँ रख देता है, अपनी बच्ची को बेड पे। He lay down beside her, और उसके बगल में सो जाता है। Half asleep, still with the butcher smile all about her, it seemed she crept close to him, suggestively her hair around his arm, held tightly to his shirt. फिर क्या होता है, वो हल्का सोने का कोशिश करती है, फिर उसे बुच्चर का सपना आने लगता है और वो बुच्चर बुच्चर बोलने लगती हैं और वो अपने पापा के हाथ से नीचे आ जाती है, ठीक है, हाथ से नीचे आके सो जाती है और उनका टी शर्ट जोर से पकड़ लेती है, सच जोर से पकड़ लेती है। देन अ डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टील हर हेयर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड देन वार्म सेड फादर, वो बोलती है कुछ कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना पैर है वो तुम मेरे लेग में क्या कर सकती हो, रब मतलब कि होता है ना पैर का तलवा, उसे क्या करता है, कभी कभी ना देखते हैं कि दूसरा सोया है, ठीक, तो उसके पैर में कभी कभी ठंडी में हम लोग ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण हमारा पैर गर्म हो जाए, तो वो लड़की को डर लग रहा था, तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा कर सकती हो। ट्राइड आउट ही स्लिप्ड बिफोर अ लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग कम ओवर हर। फिर क्या हुआ, वो लड़की क्या करती है, हल्का सा सोई रहती है, फिर उसके माइंड में कुछ फनी फनी बातें आने लगती हैं। पुअर फादर नॉट बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम। फिर वो बोलती हैं बेचारे पापा, ये इनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, इनके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। ही वॉज हैंडर एंड ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो बोलती हैं कि हाँ हैंडर वगैरह है, मेरी दादी माँ हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। उस दादी माँ बोल, तुम्हारे पापा का आवाज़ ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, सी हैड टू टर्न अप ऑल ब्यूटिफुल राइटिंग सी एंड साइंड। बोलती है मेरे पापा थक जाते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरे दिन थक जाते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड के साथ ऐसा नहीं है। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, आस्क्ड हर फादर, फादर से पूछती है। अनदर ड्रीम, ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, आई कांट हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो फिर बोलती हैं कि मेरे पापा, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कितने बड़ा मतलब हार्ट पाए हो, मतलब आप पूरे दिन मतलब काम में बिजी रहते हो, इसीलिए घर पे आके गुस्सा करते हो, मुझे ऐसा नहीं पता था, मैकडोनल्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चे के साथ क्या है, बिल्कुल खुश है। सो हमारा चैप्टर हो गया एंड। इस चैप्टर के राइटर कौन थे, इस चैप्टर के राइटर है कैथरीन
मैन सिफिलिस। ओके, सो ये चैप्टर में भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये चैप्टर कैसा था कैसा नहीं, मतलब ये रियल लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ था। देन हम लोग का चैप्टर थर्ड ख़त्म हो गया है। चैप्टर थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगी, बिटवीन दी बुक से अपलोड मैं वीडियो कर दूंगी। सो और क्या था, इसके बाद एक पोम है उसे भी आप लोगों को देखना है और मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।